वालेकुम ताऊ जी। वालेकुम सलाम बेटे, बैठ जा। और ताऊ जी, अब आपकी तबीयत कैसी? बेटे तबीयत तो ठीक हो। और मुनासिब कहाँ गया वहाँ? मुनासिब दिखाई देगा दो दिन तक यहाँ से, जब तक उसका इंटरव्यू, बस निकल ले। तो तब मेरी बात सुन लो, वो तो बन जाए फिर पुलिस वाला। गया निकल तू। मैं तो बनता नहीं पुलिस पुलिस, मैं चलो गाँव में अंधेरा सा हो रहा, इतना इंटरव्यू टाइम होगा ना, इतना गाँव में घूमूंगा। बैठा देखो, आज इंटरव्यू था। मुनासिब तू यहाँ बैठा? हाँ यार, तेरा तो आज इंटरव्यू था। मैं जा रहा यार इंटरव्यू देने, यार इंटरव्यू देगा मैं जारी फैल कलेक्टर बनूंगा, डीसीपी, एसएसपी, सीओ, ऐसा कुछ बनना चाहिए। फिर एक काम कर ले मेरे भाई, प्रधान का पर्चा भर दे। हाँ फिर मैं थरा को हाथ जोड़ता फिर भाई, मुझे वोट दे दियो माँ, मैं ना मुझे वोट दे दियो। चले जा परो को खेत वाले आकर मंत्री बना दूंगा, मैं बनूंगा डॉक्टर, मैं बनाऊंगा तुझे डॉक्टर। में आ रहा मैं बताऊंगा तुझे, चाप होगा घर को मर जा, इंटरव्यू का टाइम हो रहा है तेरा। और तू ये पूरे दिन तू पान तमाकू से चापता फिरो, जा रोटी भी खा लेने तू घर, चला जा बस जा। देखो बेटे अपना मुंह दिखाइए, तू तो नहीं खाता कुछ बात लू, लग रहा मुझे कोई डाउट था। ना ना अल्लाह कसम अब्बा मैं नहीं, अगर तू इंटरव्यू बढ़िया दिया ना बेटे तो बस डीजे बजवाना शाम को ही, मजा आ जाएगा, मजा जल्दी बेटे। इंटरव्यू का टाइम। अजी अंदर आ जाओगे आप? अजी भीतर आ जाओगे आप? आइए आइए अंदर आइए जी, बैठ जी। थैंक यू सर। इसे पकड़ो। अबे क्या पकड़ा रहा है? अरे सर 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 मेरी फाइल। क्या नाम है तुम्हारा? मेरी फाइल में लिखा हुआ। तुम्हें नहीं पता अपना नाम? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। अजी वैसे तो मेरा नाम मुनासिब हो, लेकिन प्यार से मुझे जुकाम कह रहे हैं। अच्छा तो ये बताओ चार मीनार कहाँ है? सर जी छीनू। वाह भाई वाह, तुझे कैसे पता कि चार मीनार चीन में है? सर जब मैं चीन गया था तो मैंने वहां की छतों पर चार चार मीनार देखी थी। अच्छा ये बताओ भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? सर जी अमित शाह। तुम्हें ये भी नहीं पता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? सर अगर मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है तो आप मुझे नौकरी दे दोगे क्या? तुम एक सवाल का और जवाब दे दो, उसके बाद तुम्हारी नौकरी पक्की है। नहीं सच्ची में, अगर मैंने एक सवाल का जवाब दे दिया तो मेरी नौकरी पक्की? हाँ हाँ पक्की है। अजी हाँ जल्दी पूछो फिर। अगर किसी हलवाई की दुकान पर एक किलो रसगुल्ले 100 रुपए के हैं तो 200 ग्राम रसगुल्लों के कितने रुपए दोगे तुमने? अजी सर तुम नो बताओ, अगर मैं पुलिस में होगा 200 ग्राम रसगुल्ले के पैसे दे माँ तो मेरा पुलिस में आने का फायदा ही क्या? अरे यार अगर मैं तुमसे मंगाऊ तो तुम कितने पैसे दोगे उसे? अजी थारे लिए तो 200 ग्राम या 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो जितने मांगो पैसा हम देंगे। अगर तुम्हारी माँ 200 ग्राम रसगुल्ले लेने जाए तो उसे कितने रुपए की मिलेंगे? अजी मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानू, अगर मेरी माँ को 200 ग्राम रसगुल्ले चाहोगे ना तो 200 ग्राम की रेट पूछोगी, 1 किलो की पूछेगी। अच्छा अगर तुम्हारे पिताजी रसगुल्ले खरीदने जाए तो? पिताजी तो मेरे रसगुल्ले खा ही नहीं सकते, उन्हें तो जिंदा शुगर हो, मतलब शुगर डायबिटीज। अगर तुम्हारा भाई खरीदे तो? अजी मेरा तो कोई भाई नहीं है, बस एक चाचा का लौंडा, लेकिन वो भी अपने पैसे तो दिलबाग बेड़े गुटका काट का खास हो, रसगुल्ले कभी नहीं खरीद सकता। दोस्त तो होंगे, अगर तुम्हारे दोस्त खरीदने जाए तो?
उसका दो दोस्त हो, लेकिन मुझे इतना पता है अपने पैसों का स्कूल लेकर भी खरीद नहीं सकते। क्यों? उन्होंने आप ही साथ दे भज्जा या फिर किसी से मांग तांगो खा लो। तो मुझे एक बात बताओ, थारा को रसगुल्ले की दुकान होगा जो तुम रसगुल्ले तो आपको बढ़िया है। नो 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 नो, ये बताओ अगर तुम्हारे रिश्तेदार रसगुल्ले खरीदे तो उन्हें कितने पैसे मिलेंगे? जब तुम सारे रसगुल्ले रिश्तेदार भाई बहनों से मंगवाने तो मैं जा रहा अपने घर, मुझे मंगवा के दियो। चलो जा भोस के। अजी तुम एक बात बताओ, तुम पिछले जन्म में हलवाई थे क्या? हम क्यों नाच रहे हैं भाई? हम तो तेरी खुशी में नाच रहे हैं। अरे बाजी मैं तो वहां से उठ के आ गया, मैं उठ के इसलिए आया न पूछ रहे 200 ग्राम रसगुल्ले तेरा अब्बा कितने खरीद दोगा, तेरी माँ कितने खरीद दोगी, तेरे यार दोस्त कितने खरीद दोगा। हम और कुछ काम नहीं, हम रसगुल्ले खरीदते फिरोगे। तू तो बिरा नहीं रहेगा, तू नहीं देना कुछ के कुर्बे। अरे टॉयलेट देना टॉयलेट तो हम रोड खराब कर दिया। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help. Hello guys! हमारी नई वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।